श्लोक संख्या 2। ज्ञानम् ते अहम् सविज्ञान मिदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ज्ञात्वानेह भूयो अन्यज ज्ञातव्यमवशिष्यते। ज्ञानम् ते अहम् सविज्ञान मिदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ज्ञात्वानेह भूयो अन्यज ज्ञातव्यमवशिष्यते। भगवान कृष्ण इस श्लोक के माध्यम से कह रहे हैं कि अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से अपना ज्ञान कहूंगा। याद रखिए, इस दुनिया में जितना भी ज्ञान हम अर्जित करते हैं वो ज्ञान हमारे किसी काम का नहीं है। आंख मुंद जाएंगी जिस वक्त, उस समय वो ज्ञान धरा का धरा रह जाएगा। आंख खुले तक भी वो जड़ ज्ञान, रुपये पैसे का ज्ञान, पेट भरने का ज्ञान, वो भी हमें कहीं ना कहीं से दुखी ही करता है। कितनी ही ईर्ष्या को जन्म देता है, कितनी ही दौड़ भाग को जन्म देता है। दिन का चैन, रातों की नींद हराम हो जाती है ऐसे जड़ ज्ञान को प्राप्त करके। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि जो अब मैं तुमको ज्ञान दूंगा वो ज्ञान नहीं, वो विज्ञान है, वो दिव्य ज्ञान है। वो ऐसा ज्ञान है जो अगर तुम अपना लोगे तो फिर उसे जानने के बाद कुछ भी जानने के लिए शेष नहीं रहेगा। हमारे ज्ञान की परिणति यदि भगवत ज्ञान के रूप में नहीं हुई तो फिर वो ज्ञान एकदम बेकार है, निरर्थक है, इस जीवन को अर्थों से विहीन कर देगा। ये मनुष्य जीवन जो बहुत ही सार्थक है अगर भगवान की भक्ति में जाए, और अगर भगवान की भक्ति से विमुख हो गया ये मनुष्य जीवन तो पूर्णतया निरर्थक हो गया, जीवन का कोई अर्थ ही नहीं रहा। तो इसीलिए भगवान कहते हैं व्यवहारिक ज्ञान कहेंगे, दिव्य ज्ञान कहेंगे। इसे जान लेने के बाद तब फिर कुछ इसलिए जानने के लिए शेष नहीं रहेगा क्योंकि आप तब भगवान को ही जान लेंगे, और भगवान को जानने के बाद ही तो उनमें आसक्ति हो सकती है। इसीलिए अब हमें सुनना है भगवान के श्रीमुख से वो सुंदर ज्ञान जिसे जानने के बाद कुछ जानने की तृष्णा रही ही नहीं।